सेमीफाइनल में भारत से हार के बाद बौखलाए इंग्लैंड क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी। कोई लगा रहा भारत पर बेईमानी के आरोप तो कोई लगा रहा आईसीसी पर भेदभाव के आरोप। इस हार को नहीं पचा पा रहे हैं इंग्लैंड दिग्गज। आखिर कैसे इतनी बुरी तरह से कोई टीम किसी को हरा सकती है? तो जी हां, T20 वर्ल्ड कप 2024 सेमीफाइनल का मुकाबला भारत बनाम इंग्लैंड। भारतीय क्रिकेट टीम ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है और इंग्लैंड क्रिकेट टीम से दोगुना लगान वसूल किया है। मतलब इंग्लैंड क्रिकेट टीम को एक तरफा मुकाबले की परिभाषा क्या होती है ये दिखाया है। मुझे याद है कि जब पिछली बार हम इंग्लैंड से सेमीफाइनल में हारा था तो इंग्लैंड के बड़ बोले माइकल वॉन ने एक स्टेटमेंट दिया। फिर उन्होंने इस स्टेटमेंट में ये कहा कि भारत को घमंड छोड़कर इंग्लैंड क्रिकेट टीम से, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से ये सीखना चाहिए कि आईसीसी ट्रॉफी कैसे जीती जाती है। यानी उन्होंने भारत पर साफ तौर पर चौकर्स का टैग लगाया। लेकिन भारत से इस बार मिली हार के बाद इस इंग्लैंड दिग्गज ने भारत पर बेईमानी के आरोप लगाए हैं। जी हां, आईसीसी पर भारत पर मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। वो हम आपको बताएंगे कैसे यह हार कर भी अपना घमंड ऊपर रख रहे हैं। लेकिन आखिरकार इनका घमंड टूट ही गया। भारत पर फिर कुछ ऐसे बयान दे रही हैं जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। वहीं इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, जिन्होंने खुद ये सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड मैच होने से पहले कहा कि पिछले साल भारत के साथ क्या हुआ था ये किसी को याद है, ये खुद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने कमेंट करके ट्विटर पर जानकारी दी थी। लेकिन इसी के साथ में तमाम इंग्लैंड दिग्गजों ने भारत की जमकर खिंचाई करी थी। कोई कहा कि भारत फाइनल में नहीं पहुंचेगा, तो किसी ने कहा भारत में अब वो बात नहीं, बड़े मुकाबलों में होते हैं फ्लॉप। कुल मिलाकर अब इस भारत की जीत के बाद कैसे अंग्रेजों के सुर बदल चुके हैं, कैसे वो अपनी टीम को जमकर फटकार लगा रहे हैं। चलिए आइए आपको बताते हैं तमाम इंग्लैंड दिग्गजों के रिएक्शंस। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है भारत की जीत से खुश तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। जी हाँ, सब्सक्राइब कर लें, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री और इसे हमें बड़ा हौसला मिलता है। कम से कम भारत की जीत के लिए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब खैर, इंग्लैंड क्रिकेट टीम पिच का रोना रो रहे हैं। मतलब उन्होंने कहा कि ये जो पिच बना था वो भारत के फेवर में बना था, जहाँ भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिन का बोल बाला रहा था, और कहीं न कहीं इसी को अब वो बहाना बना रहे हैं। यानी नाच न जाने आंगन टेढ़ा जैसी हरकतें कर रही हैं। इसी को लेकर कप्तान जॉस बटलर ने भारत से मैच हारने के बाद एक बहुत बड़ा बयान दिया। तो सबसे पहले तो इनके कप्तान का स्टेटमेंट जानते हैं। जॉस बटलर ने मैच के बाद कहा, भारत ने निश्चित रूप से हमसे बेहतर प्रदर्शन किया, हमने उन्हें 20-25 रन ज्यादा बनाने दिए। यह एक चुनौतीपूर्ण सतह थी जिस पर उन्होंने अच्छा खेला, उन्होंने हमसे बेहतर प्रदर्शन किया और जीत के पूरी तरह से वे हकदार थे। 2022 की तुलना में वो बहुत अलग परिस्थितियां हैं। जी हाँ, जॉस बटलर ने भी ये कहा कि एज कम्पेयर टू 2022 से ये पिच अलग परिस्थितियों के अनुसार बनाई गई है। भारत को श्रेय जाता है, उन्होंने क्रिकेट का बहुत अच्छा खेल खेला, बारिश के कारण परिस्थितियों में इतना बदलाव होने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन बटलर ने तो ये स्वीकार किया कि टॉस भी वो मैच का एक्सपेक्टर नहीं है। बटलर ने कहा कि टॉस टीमों के बीच अंतर नहीं था, उनके पास कुछ बेहतरीन स्पिनर हैं, हमारे दो स्पिनर्स राशिद और लिविंगस्टन ने अच्छी गेंदबाजी की। पीछे मुड़कर देखें तो स्पिन ने जिस तरह से खेल रही थी उस पर मोइन को उस पारी में बॉलिंग कराई जानी चाहिए थी, उनको स्कोर औसत से बेहतर था और उन्होंने अच्छा खेल दिखाया है, भारत ने ये दिखाया। उन्होंने कहा कि ये स्वीकार कीजिए, भारत ने अच्छा खेल दिखाया हमसे आज के दिन और वो अब फाइनल में है। लेकिन ये स्वीकार करने को कहाँ है इंग्लैंड के माइकल वॉन। जैसे मैंने कहा कि इंग्लैंड के माइकल वॉन ने 2022 में एक स्टेटमेंट दिया, घमंड छोड़े, इंग्लैंड से सीखे कैसे जीते जाते हैं आईसीसी के टूर्नामेंट, भारत से बोले थे माइकल वॉन। जी हाँ, उन्होंने संदेश दिया था कि इंग्लैंड के सफ़ेद गेंद के खिलाड़ियों का यह ग्रुप असाधारण है और इंग्लिश क्रिकेट को ट्रेंड सेट किया जिसे बाकी दुनिया को फॉलो करना चाहिए। इंग्लैंड अपना काम कैसे करता है, वे क्या करते हैं, अगर मैं भारतीय क्रिकेट टीम चला रहा होता तो मैं घमंड को साइड में करता और इंग्लैंड क्रिकेट टीम से सीख लेता।
इसी माइकल वॉन ने भारत पर अपक्षपात के आरोप लगाए। उसके बाद भारत के दिग्गज हरभजन सिंह ने उनको जमकर फटकार लगाई है। जी हां, एक पॉडकास्ट के दरमियान ऑस्ट्रेलिया के एक दिग्गज ने जरा सी भारत की तारीफ क्या करी, इंग्लैंड का ये दिग्गज चिढ़ गया। पॉडकास्ट में एडम गिलक्रिस्ट कहते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी है, उन्होंने कहा कि इंडिया बेहतर टीम है, इस समय इंडियन टीम बेहतर ऑलराउंड खेल दिखा रही है, मुझे लगता है कि वो इस मुकाबले में जीतने वाले हैं। इस पर माइकल वॉन ने तुरंत रिएक्ट किया और कहा कि ये टूर्नामेंट ही उनका टूर्नामेंट है, उनको वहां खेलने को मिला जहां वे खेलना चाहते हैं, उनको पहले से पता है कि उनका सेमीफाइनल मैच कहां होना है, सभी मैच उन्होंने सुबह खेले हैं जिससे उनके फैंस उनके मैच को देख सके, मुझे पता है कि पैसे का बड़ा रोल होता है। माइकल वॉन ने आगे कहा, क्रिकेट जगत में पैसे का बड़ा रोल है और अगर ऐसा द्विपक्षीय सीरीज में होता तो चलता, लेकिन जब वर्ल्ड कप की बात हो तो आईसीसी को बाकियों के साथ ऐसा पक्षपात नहीं करना चाहिए, तब सिर्फ इंडिया की बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो ज्यादा रेवेन्यू लेकर आते हैं। मैं कह रहा हूं द्विपक्षीय सीरीज में ऐसा होता है तो ठीक है, लेकिन वर्ल्ड कप में किसी भी टीम के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। ये माइकल वॉन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भारत के सारे मुकाबले भारतीय समय अनुसार 8 बजे रखे गए, क्योंकि भारत की ऑडियंस देख सके और केवल भारत के लिए ये स्पेशल ट्रीटमेंट रखा, इस बात से माइकल वॉन काफी ज्यादा खफा है। फिर माइकल वॉन ने एक ऐसा ट्वीट किया जिस पर हरभजन सिंह ने उनको जमकर फटकार लगाई। माइकल वॉन ने इस मैच के खत्म होने के बाद कहा, उन्होंने कहा कि अगर ग्रुप मुकाबलों में आप साउथ अफ्रीका को हरा देते तो डेफिनेटली आप त्रिनिदाद में सेमीफाइनल मुकाबला खेलते, जहां पर अफगानिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका हुआ, तो अगर आप वहां खेलते तो आप डेफिनेटली आज फाइनल में होते और वो गेम जीत जाते। अब चूंकि यहाँ ये पिच ऐसी बनाई गई है जो भारत को सपोर्ट करती है, सो नो कंप्लेंट्स, दे हैव नॉट बीन गुड इनफ, बट गुयाना हैज अ लवली वेन्यू पिक फॉर इंडिया, मतलब जो गुयाना का पिच है वो एक इंडिया के लिए बेहतरीन विकल्प था। इस पर हरभजन सिंह ने उन्हें रिएक्ट करते लिखा, व्हाट्स मेक यू थिंक गुयाना वाज अ गुड वेन्यू फॉर इंडिया, मतलब आप क्या सोचते हैं कि गुयाना इंडिया के लिए अच्छा था। दोनों टीमों ने, हरभजन सिंह ने कहा कि बोथ टीम प्लेड ऑन सेम वेन्यू, दोनों टीमें एक ही वेन्यू पर खेल रही है, इंग्लैंड ने टॉस जीता और इस बात का उन्हें इस एडवांटेज था। स्टॉप बींग सिली, बकवास करना बंद करो, इंग्लैंड वाज आउट प्लेड बाय इंडिया इन ऑल डिपार्टमेंट, इंग्लैंड इंडिया से हर डिपार्टमेंट में पीछे था, कुछ लॉजिकल बातें करें, ये नॉनसेंस और स्टूपिड सी बातें करना बंद करें। ये हरभजन सिंह ने इस तरह से फटकार लगाई है, इस माइकल वॉन की मानो बोलती बंद हो गई है। तो वहीं पर इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी नासिर हुसैन ने भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। नासिर हुसैन ने कहा कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने इंडिया के सामने सरेंडर कर दिया, इस मुकाबले में वो कहीं पर फाइट ही नजर नहीं आई है। दरअसल नासिर हुसैन इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर हैं और इन्होंने इस मुकाबले पर बातचीत करते हुए कहा, ये मुकाबला जिस तरह से देखा तो एक तरफा मुकाबले की परिभाषा क्या होती है आज इस मुकाबले से पता चलती है। सेमीफाइनल का मुकाबला और ये पिच खास तौर पर जो भारत को सपोर्ट कर रही थी, भारत ने बहुत अच्छा खेल इस पिच पर दिखाया। नासिर हुसैन ने कहा, खास तौर पर तारीफ रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव की उस मिडल फेज की करनी होगी जिन्होंने उस पिच पर कहीं न कहीं अच्छी बल्लेबाजी करके टीम इंडिया को एक 20-25 रन का एडवांटेज दिया। फिर उन्होंने अपनी टीम को जमकर फटकार लगाई, उन्होंने कहा कि देखिए इस बात को स्वीकार करना होगा कि हमने पिछले कुछ समय से बहुत खराब खेल दिखाया है, हमने वनडे वर्ल्ड कप में इतना शर्मनाक प्रदर्शन किया और अब ऐसी पिच हमें मिल गई जो भारत को फेवर करे, तो इस पिच पर हमें खेलना आना चाहिए, हम एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि ये पिच ऐसी थी, वो था, ये था, बल्कि हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि हमने खराब खेल दिखाया है। ये इंग्लैंड के नासिर हुसैन का कहना है। माइक एथरटन ने भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। माइक एथरटन ने कहा कि इंडिया डिजर्व करता है फाइनल में जाना, जिस तरह से उन्होंने इस पूरा टूर्नामेंट में खेल दिखाया है ये वाकई में बहुत ही सराहनीय है और इंडियन क्रिकेट टीम पूरी तरह से डिजर्व करती है फाइनल में जाना, खास तौर पर रोहित शर्मा की कप्तानी मुझे बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से रोहित ने स्पिन गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि अक्षर पटेल ने जिस तरह से गेंदबाजी की, अपने कप्तान के भरोसे पर खुद को कायम रखा, ये दिखाता है कि इंडियन क्रिकेट टीम अब कितना आगे बढ़ चुकी है, इंडियन क्रिकेट टीम में क्या लेवल आ चुका है। ये ऑलराउंड पैकेज मेरे को बहुत पसंद आया है, ये माइक एथरटन की तरफ से बयान आया है। तो वहीं इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज कॉलिंगवुड ने जसप्रीत बुमराह को एक्स फैक्टर बताया है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान पॉल कॉलिंगवुड ने कहा कि भारत T20 वर्ल्ड कप में अब हार नहीं सकता है, इनको कोई नहीं हरा सकता है, भारतीय टीम बहुत मजबूत और संतुलित है, टीम में अभी भी जो बड़ा अंतर है वो जसप्रीत बुमराह है, वो शानदार फॉर्म है, बुमराह फिट है, एक्यूरेट है, उनके पास कौशल है और वो किसी भी टीम को परेशानी में डाल सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि खासतौर पर अगर ऐसी वेन्यू मिल जाए तो भारत
वर्ल्ड कप में फेवरेट है, क्योंकि भारत ऐसे वेन्यू पर अनबीटेबल है जिन्हें कोई भी टीम नहीं हरा सकती है। मानो इस तरह का बयान इन्होंने दिया है, यानी भारत के अब तारीफ में कसीदे पड़े जा रहे हैं इंग्लैंड के दिग्गजों के द्वारा, लेकिन माइकल वॉन के सुर अभी भी नहीं बदले हैं। लेकिन खैर, भारत के फाइनल में जाने पर आपकी क्या राय है?